दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े अरदास मालका बोलो सतगुरु भगवान की जय। सत्संग जी, आज का जो विचार रहेगा वो ये रहेगा कि साधक जब परमात्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, परमेश्वर से मिलने की कोशिश करता है, तो उसकी कैसी भावनाएं होती है, कैसी भक्ति होनी चाहिए। सुभाष गुरु जी हमें अपने पावन उत्तरवाणी में यही संदेश दे रहे हैं कि सबने बड़ी तवज्जो के साथ श्रवण करना है। आद गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत प्रवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में प्रवेश धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु महताप बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार आप नयाते जगत में जल मरता संसार जगतारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताप जगतारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज जगतारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सत्संग जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ, गद्दी नशीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, निराकारी जागृति मिशन, आज आपके समक्ष कुछ अपने विचार साझे करने के लिए आया हूँ। सत्संग जी, सुहाओ सर्वप्रथम अपनी रचना को पवित्र करना है और रचना को पवित्र करने के लिए परम श्रद्धे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्रमय अमृत वाणी का जो शब्द है वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। सबने श्रवण करना है। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू तुम सो तोड़ कवन से जो जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू तुमसे तोड़ कवन सजोड़ू तीरथ व्रत ना करूं वंदे तुम्हारे चरण कमल भरोसा जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा तुम सा ठाकुर और ना देवा मैं
अपना मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ सबन से तोड़ो, सब पे हरि तुम्हारी आशा, मन कर्म वचन कहे रदासा। मन कर्म वचन कहे रदासा। सुशांत सिंह जी, ये था सदगुरु भगवान के पावन मित्रमयी अमृतवाणी का शब्द, जिसमें उन्होंने हमें संदेश दिया है ये प्रभु ये पार्थ रिगुणराकार विश्वाधार सर्वाधार परमात्मा, अब मेरी प्रीत है, मेरा प्यार है, मेरा जो लगाव है वो तुमसे हो गया है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चाहे तू हे परमेश्वर हे परमात्मा, चाहे तू मुझे छोड़ दे और मेरी अनेकों जैसी भी तू चाहे परीक्षाएं ले ले, लेकिन हे सदगुरु हे परमेश्वर अपने चरण में रखना, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ आप ही सहारा हो। दुनिया के मैंने सारे रिश्ते नाते सगे संबंधी सबको देख लिया है, ये सारे का सारा जो संसार है साथ संगत जी, ये मतलब के ऊपर स्वार्थ के ऊपर आधारित है, और जो सारी सृष्टि है ये विनाश के मूलाधार के ऊपर टिकी हुई है। तो सदगुरु भगवान परमेश्वर से कहते हैं और हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि हे परमेश्वर हे परब्रह्म निर्गुणराकार विश्वाधार सर्वाधार मालिक कुल परमात्मा, जो तुम तोड़े राम हम नहीं तोड़े, तुम संग तोड़ कमर संग जोड़े, तो आपके साथ जो मेरा प्यार है जो मेरा प्रीत है मेरी भक्ति भाव है वो मैं अब नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैंने समझ लिया कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हे सदगुरु आप ही सहारा हो, क्योंकि सदगुरु के बिना साथ संगत जी ये जीवन निरर्थक है, ये अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। सो अगर जीवन में सदगुरु है, परमेश्वर का प्यार है, सदगुरु की प्रीति है, सदगुरु की भक्ति है, तो सब कुछ है, वरना जीवन में कुछ भी नहीं है। तीर्थ व्रत ना करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। हे परमेश्वर हे सदगुरु, जैसे अमूमन देखने में आता है साध संगत जी कि जब जो जीव है ये सोच लेता है कि मेरे ऊपर पाप कर्मों का बोझ ज्यादा हो गया है, तो फिर वो तीर्थों के ऊपर स्नान करने के लिए जाता है, और वो ये सोचता है कि तीर्थ के ऊपर स्नान करने मात्र से मेरे अंदर के किए गए जो पाप है वो धुल जाएंगे। सो ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। तीर्थ पर स्नान करने से, तीर्थों पर स्नान करने से, तीर्थों पर घूमने फिरने से, स्नान करने से सत्संग जी हमारे शरीर की मैल तो उतर सकती है, लेकिन जो अंतःकरण में ईर्ष्या है, द्वेष है और तरह तरह के विकार हैं जो भरे पड़े हैं वो दूर नहीं हो सकते, उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए गुरु जी कहते हैं
और हम सबको संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। और कहते हैं कि हे परमेश्वर, अब मेरी प्रीत तुझसे लग गई है, ये सदगुरु अब तूने ये मुझे रहस्य भली भांति बता दिया है, तो मैं ना कोई तीर्थों के ऊपर स्नान करने का इच्छुक हूं, ना मैं तीर्थों के ऊपर स्नान करना चाहता हूं, ना मैं कोई व्रत और उपवास रखना चाहता हूं। जैसे लोग समझते हैं कि कुछ दिन भूखा रहकर, कुछ दिन व्रत और उपवास रखकर मुझे परमेश्वर की जो है प्राप्ति हो जाए, मुझे परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाए, मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो ऐसा साध संगति संभव नहीं है। तीर्थ व्रत ना करूंगा देसा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। बस सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट वाली बात है, जो सबसे बड़ी कंसिडरेशन वाली बात है, जो सदगुरु के चरण है साध संगत जी, जो सदगुरु के चरण शरण है, बस इससे बड़ी और कोई अवस्था है ही नहीं है। इतने बड़े संतों ने, जो संतों के भी सरताज कहे गए हैं साध संगत जी, संत शिरोमणि कहे गए हैं, जिनको सभी संतों महापुरुषों ने संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा है, ऐसे से महापुरुषों ने भी सदगुरु की चरण शरण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया है, तो निश्चय ही उनको ऐसा अपने जीवन में लगा होगा कि सदगुरु से श्रेष्ठ और सदगुरु की चरण शरण से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि तीर्थ व्रत ना करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा है सदगुरु, बस मुझे तो आपके चरणों में ही भरोसा है, आपके चरणों में ही विश्वास है, आपके चरणों का ध्यान करना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और वैसे भी मैं आपको ज्ञान से के माध्यम से साध संगत जी बताना चाहता हूं कि जो असली पूजा है, ये बाहर की जड़ चीजों की जो जीव अज्ञानतावश पूजा पाठ करता है, ये जड़ चीजें, इनकी पूजा करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जड़ की पूजा करने से जड़ हो जाएंगे और चेतन का ध्यान करने से चेतन हो जाएंगे। इसलिए जो जड़ की पूजा करता है, जड़ का ध्यान करता है, वो अंततः जड़वत हो जाता है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो पूजा है, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने ध्यान से सुनना है कि सबसे श्रेष्ठ और उत्तम पूजा कौन सी है। हमारे रहनुमाओं ने, संतों महापुरुषों ने हमें संदेश दिया कि सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ पूजा है पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी की सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है, डूबते पत्थर रानू ता।